शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। इससे शरीर को एनर्जी मिलती है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत धूप होता है, इसलिए इस विटामिन को धूप से मिलने वाला विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी हमारे शरीर के हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जानिए शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर कौन कौन से रोग हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा रावत और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप डॉक्टर्स। हड्डियां होती हैं कमजोर। शरीर में विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। अगर किसी के जोड़ों में अक्सर दर्द की शिकायत होती है तो उसके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। हार्ट संबंधी हो सकती है बीमारी। शरीर में विटामिन डी की कमी से हार्ट संबंधी बीमारी हो सकती है। अगर शरीर में विटामिन डी की भरपूर मात्रा मौजूद रहती है तो उससे हार्ट अटैक भी मजबूत होता है। इसलिए हार्ट को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। विटामिन डी की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो इससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। डायबिटीज का बढ़ता खतरा। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर लोग डायबिटीज के शिकार भी हो सकते हैं। किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी होने से शुगर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर की हो सकती है बीमारी। शरीर में विटामिन डी की कमी से ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। अगर किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो इससे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इसलिए शरीर में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। पेट संबंधी बीमारी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से पेट संबंधी बीमारी भी हो सकती है। अगर किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो उससे पाचन तंत्र कमजोर हो, बाल झड़ने की हो सकती है शिकायत। शरीर में विटामिन डी की कमी होने की वजह से बाल झड़ने की समस्या शुरू हो सकती है। बालों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी की बहुत जरूरी माना जाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करें।